हो अरे भाई साहब भाई साहब भाई आपको 5 मिनट किसी यात्रा में खड़ा होके। तो अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कुलदीप भाई जबकुट भाई मिले यहाँ पे और हस्ता भाई यहीं साथ में इनका नेपाल आए थे प्लान है, बट कुलदीप भाई की बाइक की प्रॉब्लम आने लगी है इसी में आ रही है, तो अभी थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं क्या करा जाए। वो खराब रोड है टूट गया अच्छो पूरा। चलो तो जी तो आज का सफर शुरू करते हैं। यहाँ से मेन टारगेट तो मेरा लखनऊ का है, बाकी कोशिश होती है लखनऊ को लगे मुझे दोस्तों। अभी हम पहुंच गए हैं नारायणगढ़ चौके सामने मेरे, तो अब मुझे जाना है यहाँ से सीधा सोनाली बॉर्डर के लिए और राजन भाई जाएंगे यहाँ से राइट काठमांडू मुंगली होते हुए। तो अब जो अपना सफ़र स्टार्ट हुआ था दोनों का साथ में यहीं से इसी चौक से स्टार्ट हुआ था, साथ में हमने पूरा चितवन एक्सप्लोर किया सोलार एक्सप्लोर किया। अब यहाँ से भाई की और मेरी मंजिल अलग अलग हो रही है। ठीक है राजन भाई बाकी सेफ राइड और जो भी कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन कर लेना व्हाट्सएप पे, सब अवेलेबल रहूँगा। बाकी सब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई के ब्लॉग्स भी देखो, भाई के बहुत अच्छे से कंटेंट आ रहे हैं और जो जंगल सफारी है सब कुछ बहुत ही अच्छे कंटेंट बनेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो रोड ट्रिप होगा अपने दोनों साथ में करेंगे और बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे। राजन ब्लॉग के नाम से आप देखेंगे, बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तक मेरी जो बाइक चल रही है वो चल गई टोटल दिल्ली से लेके यहाँ तक 1500 किलोमीटर। अब यहाँ से बैक टू दिल्ली का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रहा चितवन नारायणगढ़ अभी हमें नारायणगढ़ को अब मुझे पेट्रोल ही भरवाना है क्योंकि रिजर्व में लगती है, तो एक बार टेक्निकल करवा लेते हैं जितना सकता है दिल्ली है, बाकी बॉर्डर तो पार हो ही जाएगा टेक्निकल करवा लेते हैं। ऐसी चल जाएगा ना ऐसी फुल करो फुल कर दो। पेट्रोल आया ऑलमोस्ट 9.5 लीटर डे लीटर पेट्रोल तो 5 लीटर के आसपास था, 1 लीटर की टंकी है ना। कितना हो गया 1300 आईसी में कितना हुआ 650 नहीं ज़्यादा हुआ 812 ठीक है। अपनी तो यहाँ पर पेट्रोल टैंक फुल करवाया अपनी बाइक का, तो यहाँ पे पेट्रोल आया मेरे 9.5 लीटर के आसपास और अमाउंट था वो 1300 रुपये, तो मैंने आईसी में पे किया उनको 812 रुपये। तो ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, तो राजू भाई बता रहे थे कि पूरा 90 किलोमीटर तक ऐसी रोड बिजली से खराब है, ट्रैफिक ही रहेगा खतरनाक रोड है। बड़ा खतरनाक रोड है, ये दो टायर का क्या हाल हुआ उसका, देखो ट्रक का क्या हुआ पीछे का टायर ही पीछे निकल गया पीछे छोटे हैं इस रोड पर और मेरे भी पीछे तक 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 आवाज आ रही है। सेफली रास्ता पार हो जाए भाई, बहुत ही ज़्यादा रोड है ज़्यादा टूट गया से एक्चुअली टूट गया पीछे टूट गया इतना खराब रोड है है? वो खराब रोड है टूट गया पाछो पूरा। यार तो अभी यहाँ इंसान थोड़ा सा यार
मेरे कुछ किले तो बाकी कमर के बाकी तो बैन बजी हुई है। बाइक की कंडीशन देख लो। सुनो नहीं पड़ा जाना मुझे, सुनो नहीं पड़ा। हाँ सुनो पड़ा सीधे का है। हाँ मैं अभी पूछने के लिए आया आपसे। हाँ, सीधे सीधे जाना। बुराई कहाँ है? बुराई मैं यहाँ से 7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर आगे से वहाँ से लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट ले रहा है। तो सोनाली से पहले क्या जगह का नाम क्या है? सोनाली से पहले एक जगह आएगा ना, कौन सा नाम है उसका? भैरवा निकलेगा। यहाँ सीधे जानूस है ना, यहाँ सीधे जानूस, सीधे घूमे 7-8 किलोमीटर अगड़ी घूमे घूमई ट्राफिक ट्राफिक बस है। हाँ हाँ ट्राफिक पुलिस बस वहाँ से वहाँ से लेफ्ट। यहाँ यहाँ सीधे नीचे ऐसा रास्ता है। हाँ हाँ ऐसा रास्ता रास्ता है पुरासी होते भैरवा निकल भैरवा से वहाँ बुटवाली जाना पड़ेगा। तो नहीं जाना पड़ेगा ठीक है, वो छोटा पड़ेगा। भराई भराई जगह नाम क्या? भराई घुमाई घुमाई। तो अभी कोई अगर भैया से पूछता है तो यहाँ से देव कोटा चौक ये सब पहले भी आया था जब मैं यहाँ पे जा रहा था। ये भी मैं उनसे आगे यहाँ पे राइट किया था मैंने दूसरा भी नहीं आई थी शायद वही चौक है ये। तो लास्ट टाइम मैं वो सारे बोटो होते हुए अंदर से होते हुए इस चौक पर आया था यहाँ पे। तो ये रास्ता अब यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो मोदी बॉर्डर और फिर से जाएंगे तो कोटरा। वेलकम टू सोनाली बॉर्डर। अब खुशी मतलब बड़ी ही खुशी हो रही है सोनाली बॉर्डर पहुँच के। कोई सामने सोनाली बॉर्डर दिख रहा है। पिछली सेकंड में मैं फिर से इंडिया में कदम रखा और मेरी बाइक दोबारा पहुँच गई थी। तो वो सामने सोनाली बॉर्डर है तो काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो ये है नेपाल में हूँ अभी और कुछ ही सेकंड में इंडिया में। नेपाल बाय बाय टू यू मैम। तो ये नेपाल बहुत करके आ गया लो मैन लैंड जीरो पॉइंट और अपनी खुशी होगी इंडिया में। तो थैंक यू फॉर कॉपरेशन एंड एवरीथिंग। तो ये आ गया इंडिया। थैंक यू। तो इंडिया में खुशी अपनी एंट्री हो गई है लखनऊ इंडिया में। इंडिया इमिग्रेशन एक्सपेंडर जो है ये वहाँ से लेकर वहाँ से है। तो इंडिया में हम आ गए, कुछ करेंसी मेरे पास बची हुई है तो देखते हैं कुछ मिलता है। अच्छा इंडिया इंडिया आ गया मैं इंडिया वापस। यूट्यूबर हैं। हाँ इंडिया वापस आ गया। अरे भाई साहब आपको 5 मिनट किसे याद करो ही खड़ा होके। अरे कसम से बहुत बढ़िया तुलसी भाई कहते हो। बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ तुलसी भाई कैसे हो? बाइक ठीक चल रही है? बाइक में इशू आ रहा है ना। कल देखा था मैंने। अभी नहीं पिकअप नहीं ले रही क्या? नहीं पिकअप तो ले रही है। फिर जब मन कर रहा है तब बंद हो रही है ओवरहीट की वजह से? नहीं ओवरहीट की कारण नहीं। ये फोटो खींच लो। उनको बोल दे आ रहे हम सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन दबा दे। दो गाड़ियां भी है वो जा रही है अंदर। अच्छा ये गाड़ी भी साथ में? हाँ अपने साथ ही है। बाकी सब ठीक है? सब चल रहा है कोई दिक्कत नहीं? एकदम बढ़िया। आप बताओ घूमा वापसी? हाँ मैं तो हो गया। तो ये कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं? मैं तो पहले पोखरा गया, पोखरा से फिर काठमांडू से पशुपतिनाथ फिर चितवन से वापसी। सही है। अभी सुबह निकला हूँ वहाँ से चितवन से। अच्छा पोखरा कितना टाइम लगेगा यहाँ से? पोखरा यहाँ से कभी आपको अभी पहुँचे हो ना 1 बज रहे हैं, आपको अभी आधा घंटा लग जाएगा यहाँ पर। दो लगा लो। दो बज रहे हैं तो 2 से 4, 6 से 7 बजे तक पहुँच जाओ। पहुँच जाएंगे ना। हाँ रोड कैसी है? रोड थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ से आगे पहाड़ जब चढ़ोगे उसके बाद ठीक है। रोड ठीक है निकल जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगी आराम से। रोड ठीक है, रोड बहुत प्यारी है।
बस यहाँ थोड़ा सा आगे जाके खराब है, फाल चढ़ोगे इसकी बाइक ना मिसिंग मार रही है। वो मैंने देखा था स्टोरी आपकी, कल देखी थी रात में, अभी भी मार रही है। तो अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कुलदीप भाई, जब कुलदीप भाई मिले यहाँ पे, हर्षा भाई यहीं साथ में, इनका नेपाल साइड से प्लान है, बट कुलदीप भाई की बाइक की प्रॉब्लम आने लगी है, इसी में आ रही है। तो अभी थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं क्या करा जाए, जाएँ वापस या फिर आगे जाएँ, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं भी साथ में वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। चालू है? हाँ चालू है, चालू है, रहने दो, छेड़ो मत। तो भाई का चैनल है बॉन्ग राइडर अमित, फुल नेपाल करके आए, हमें भी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सब्सक्राइब करना भाई, जो जो देख रहा है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं, सेफ जर्नी, सेफ राइड, थैंक यू। पाँच दस किलोमीटर पर बॉन्ग राइड करना पड़ता है। सबसे अच्छा होता है हाईवे पे, ट्राई करो से पूछो। भैया मुझे जाना है लखनऊ, तो लखनऊ यहाँ से सीधा होते हुए गोरखपुरा, नहीं नहीं एक आता ना यहाँ से खलीलाबाद वाला कट भी आता है, खलीलाबाद से अंदर से आगे और आगे जाइए, ज़्यादा आगे पड़ेगा आपको 35-40 किलोमीटर आगे। यहाँ से 35-40 किलोमीटर जाने के बाद खलीलाबाद से कट आता है, तो वो छोटा, वो छोटा पड़ता है ना, छोटा वो सीधा फिर वो निकल जाएगा अपना अयोध्या के पास निकल जाएगा। तो दिल्ली यहाँ से दूर नहीं, 868 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से। सो शाम के बज गए अराउंड, इस टाइम हो गया है 4:30 बज गए। सो समझ लो ब्रेकफास्ट भी यही है, लंच भी यही है, और इवनिंग स्नैक्स भी यही है। तो सुबह तक मतलब कुछ दिखाया था जब से मैं नारायण घाट से निकला हूँ, और सर वहाँ पर एक चाय पी के निकला था। सो सुबह से कुछ नहीं खा के निकला था, सुबह सिर्फ चाय पी थी नारायण घाट में, उसके बाद कहीं रुका ही नहीं, हॉल्ट ही नहीं लिया, अब सीधा यहाँ रुका हूँ। ये है अराउंड अयोध्या, थोड़ा सा पहले ही रुका हूँ, तो फटाफट चाय और कुछ पकौड़े मंगाए, ये खाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। तो नेपाल का जो तेल भरवाया था, तो नेपाल का जो टैंक फुल करवाया था, तो अब यहाँ तक फिनिश हो गया है, तो अब यहाँ पर दोबारा रिफिल करवाना है। तो ऑलमोस्ट तो नैनीताल से मैं फ्यूल करवाया था, कल भी वो 400 किलोमीटर के आसपास चला लिया है मैंने, तो मैं तो जो मेरा काठमांडू से अभी तक मेरे किलोमीटर हो गया 932, नहीं सॉरी तीन, तो काठमांडू से जो मेरे किलोमीटर हो गए हैं उसको अराउंड हो गए हैं 580। We'll be right back.